द ग्रीन मैराथन की शुरुआत की गई। ये मैराथन गवर्नमेंट ऑफ लॉ कॉलेज द्वारा आयोजित किया गया, जहां पर 300 से 400 बच्चे इस मैराथन में हिस्सा लिया। लगातार बच्चों में बढ़ रहे स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश इस मैराथन के माध्यम से की गई। ये मैराथन मुंबई के NCPA से शुरुआत होकर गिरगांव चौपाटी तक गया, जहां कुछ राजनीतिक चेहरे भी नजर आए। रामदास अठौले का कहना है कि कानूनी पढ़ाई करने के साथ साथ विद्यार्थी मुंबई के बारे में भी सोचते हैं। हमें मुंबई को ग्रीन बनाने की आवश्यकता है। यहाँ ये लॉ कॉलेज ने जो आज का मैराथन रखा गया है, तो मैं कॉलेज के प्रिंसिपल और सभी स्टूडेंट को बधाई देता हूँ। और आप मुंबई में रहते हैं और मुंबई को ग्रीन बनाने के लिए जिस तरह देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी कोशिश कर रही है, अभी महानगर पालिका भी कोशिश करेगी और अपना नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है, वो पूरे भारत देश को ग्रीन बनाना चाहते हैं। और भारत को ग्रीन बनाना है तो मुंबई को ग्रीन बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए आज का एक मैराथन एक बहुत ही अच्छा पहल है और मैं हार्दिक बधाई देता हूँ लॉ कॉलेज के स्टूडेंट को। और आप इसी तरह मुंबई को ग्रीन बनाने के लिए आप कोशिश करो, यही मैं उनको शुभकामना देता हूँ। वही साइना NC ने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की अपील लोगों से की है। ये मैराथन विद्यार्थियों के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को समर्पित है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि आई लव मुंबई, इसका मतलब मुंबई माजी लाडकी, तो आप आपके शहर को साफ स्वच्छ रखेंगे। पर्यावरण के निमित्त हम लगातार इनके साथ काम करते आए हैं और आज मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ है देखेंगे कि अपने इलाका को साफ स्वच्छ रखें। इसलिए स्वच्छता भारत अभियान के निमित्त सभी यहाँ के लॉयर्स और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के फैकल्टी को बहुत बहुत अभिनंदन। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की तरफ से एक मैराथन किया गया था, जहां पर नरीमन पॉइंट से लेके गिरगांव चौपाटी तक इसे स्टार्ट किया गया था और एंड किया गया था। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये लड़कियों में फर्स्ट विनर है, सेकंड विनर है, थर्ड विनर है। यहीं पर जिस तरीके से इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ लिया है, इन्होंने सेकेंड प्राइज़ लिया है, इन्होंने थर्ड प्राइज़ लिया, वहीं इनके साथ में कई वॉलंटियर भी थे जिन्होंने ये सारा चीज़ें यहाँ पर सिस्टम बनाया था। आप से जानेंगे जिस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आपने, किस तरीके से था, और ये फर्स्ट टाइम है आप लोगों ने इस तरीके का चीज़ें किया है, तो कितना सपोर्ट मिला है आप लोगों को? ये जी हमको हमारी कॉलेज की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से ही पूरा सपोर्ट मिला है। स्वच्छ भारत अभियान के साथ हमने इसको कोलैबोरेट किया था, उनका भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, BMC का, मुंबई पुलिस का, सबका हमें सपोर्ट मिला है। एक्चुअली ये फर्स्ट ईयर है हमारा। हमारा कॉलेज की जो हिस्ट्री है वो 150 साल पुराना, एशिया का फर्स्ट लॉ कॉलेज है, लेकिन हमारे कॉलेज में जो मैराथन है ये क्लीन मुंबई ग्रीन मुंबई को हमने डेडिकेट किया है। हमें लगे ये जो है कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ये सिटी एक अच्छी होनी चाहिए, क्लीन रहनी चाहिए, इसके लिए हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो ये केवल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था या कोई भी ओपन में इसमें आ सकता था? ये जो था ये ओपन मैराथन थी, सबके लिए थी, लेकिन स्टूडेंट्स भी आए और सब, कुछ लोग एल्डर्स भी थे हमारे साथ, सब थे जी। बिल्कुल, आप लोग कितने साल से एक तरह से इस तरीके का काम कर रहे हैं? जैसे ये फर्स्ट टाइम था आप लोगों ने यहाँ पे मैराथन ऑर्गेनाइज किया, ऐसे कई सारे इवेंट्स आप लोग करते हैं, तो उसमें किस तरीके से स्टूडेंट्स का पार्ट्स रहता है, उनमें किस तरीके से उन्हें आप लोग इस तरीके से चीज़ों में लेकर आते हैं? पहली बात तो ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज 150 ईयर्स का कॉलेज है, ये कॉलेज का बहुत रेपुटेशन कॉलेज, आशिया का पहला कॉलेज है और ये कॉलेज के लेजेस है अपने कॉलेज के। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिंसिपल थे 1936 से 1938 थे, तो ये लेजेस को हम आगे लेने की जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मैराथन रही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल लेक्चर से, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हम कॉलेज में करते हैं, मुंबई स्टडी टूर करते हैं, दिल्ली स्टडी टूर करते हैं, इससे हमारे जो स्टूडेंट कॉलेज जो है हमारे कॉलेज के, तो बहुत संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं। आज भी देख रहा हूँ शॉर्ट नोटिस में, 3-4 दिन छुट्टी थी इलेक्शन से, फिर भी इतने भारी संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट्स कितने थे इसमें पूरा? 300 लोग। कुछ प्राइस आप लोगों ने ये किया था या फॉर्म वगैरह जब आप लोगों ने निकाला था तो किस तरीके से ऐड किया था आपने उसको? हम लोगों ने जो हमारे वेबसाइट है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का ऑफिशियल, उस पर हम लोगों ने फॉर्म पुटअप किया था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने रखा था और उस पर सब रजिस्ट्रेशन रखा था, और 500 रजिस्ट्रेशन आए थे, उसमें 300 यहाँ पे स्टूडेंट आ गए।
अब आगे किस तरीके से करेंगे, वापस इस मैराथन को आगे लेकर जाना है यहाँ पर स्टॉप? नहीं नहीं नहीं, इसको हम हर साल ऑर्गेनाइज करेंगे तकरीबन जब जब हमारा फेस्टिवल होगा। ये जो है एक्चुअली हमारा इंटर कॉलेज फेस्टिवल है झंकार, तो ये कॉलेज हमारा 8, 9, 10 मार्च को है, तो इसको भी हमने इसके साथ कोलैबोरेट किया, डेडिकेट किया है। तो इससे इसके आगे जब जब हमारा फेस्टिवल होगा तब तब हम एक मैराथन ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसके लिए आपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराया था या डायरेक्टली इस तरीके की चीज़ें? इस साल जो था हमने सबको ऑन द स्पॉट किए, रजिस्ट्रेशन फेसबुक से भी एंट्री लाई, लेकिन अगले साल हम उनके साथ प्रैक्टिस करवाएंगे, सब करवाएंगे और फिर से पूरा प्लान के साथ करेंगे अगले साल। बिल्कुल, आपसे जानेंगे दिन में कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, कितने किलोमीटर तक दौड़ा था आज आप? आज तो मैंने काफ़ी 2-3 साल के बाद किया है मैराथन, अदरवाइज 2 साल पहले तक मैं काफ़ी मैराथन स्प्रिंट्स ये सब करती रहती थी। आई एम अ फॉर्मर एथलीट, सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन इनिशिएटिव आई पार्टिसिपेटेड इन दिस मैराथन, सो दैट्स व्हाट वाज फैसिनेटिंग फॉर मी। कौन से कॉलेज से? GLC गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। जी बिल्कुल, आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं या फर्स्ट टाइम था आपका? नहीं फर्स्ट टाइम नहीं है, 2-3 साल से कर रहे हैं और हम स्पोर्ट्स में हैं। आप कब से कर रहे हैं? वी आर वॉलीबॉल प्लेयर, सो हम मतलब प्रैक्टिस होते रहता है, बट स्पेशली दिस रनिंग इज़ नॉट आवर पर्पस, बट होता है प्रैक्टिस डेली। बिल्कुल, कितने किलोमीटर भागे, कितना समय लगा आपको? जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस नहीं करता, जस्ट भागता हूँ मैराथन। तो मतलब प्रैक्टिस नहीं करता, डायरेक्ट स्पॉट पर जाकर दौड़ते हैं। कितना समय लगा आज, कितना टाइम लगा? तो अभी पता नहीं, शायद 14। आपको कितना समय लगा था? जी 14 मिनट्स 26 सेकंड्स लगा था। ओके, तो डेली प्रैक्टिस पे रहते हो या डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आपको जाना पड़ता है? वीकली वंस प्रैक्टिस करता हूँ मैं, आई रन अराउंड लाइक 6 to 7 kilometers, दैट्स इट। बिल्कुल, आप कितना लग रहा है आपकी पर्सनालिटी देख करके स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं दिन में? मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ मॉर्निंग 5 to 7, मेरा रेगुलर जॉगिंग का सेक्शन है, फिर बाद में वर्कआउट भी करता हूँ जिम में, तो मेरा लास्ट 2 ईयर्स से रेगुलर चल रहा है, तो आज मैंने 20 मिनट्स में कंप्लीट किया, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। कौन से कॉलेज से हैं आप? MKS लॉ कॉलेज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अचानक में अगर किसी की तबीयत डाउन हो जाती है, इस तरीके की चीज़ें अचानक में, जिस तरीके से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनके लिए क्या आप लोगों ने यहाँ पे सुविधा की थी? हमारे पास एक मेडिकल की टीम तैयार थी, हमारे पास एक एक पॉइंट पे ऐसे कुल मिला के कम से कम 5 मेडिकल किट तैयार थी, अगर कुछ होता था तो एम्बुलेंस भी हमारे साथ तैयार थी, सब था हमारे पास। अगर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आपके लाइफ में, यूथ की लाइफ में किस तरीके से वो चीज़ें लेकर चलते हैं और कितना मायने रखता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सारी चीज़ें? एक्चुअली अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है और स्पोर्ट्स नहीं है तो ये कुछ काम का नहीं है। यूथ ही है जो हमारे क्या बोल सकेंगे, उनको बेस है पूरे कंट्री का। अगर यूथ स्ट्रांग रहेंगे, यूथ अगर अपना हेल्थी रहेगा तो ये सब कुछ अच्छा रहेगा। तो इससे एक मैसेज भी जाएगा कि एक हेल्दी लाइफ जियो और एक होलसम जो लाइफ होगी ये सब आप जी पाओगे। हेल्दी लाइफ जीने के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है, जिस तरीके से आज अगर इंटरनल अगर गेम्स की बात करो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जिस तरीके से प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। रनिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने ओलंपिक में देखा, अभी ओलंपिक में हमारा परफॉर्मेंस, अभी जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी बोला कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करना चाहिए, उसी तरह से अगर हम छोटे छोटे लेवल पे ऐसे स्टार्टिंग करेंगे, एक कॉलेज लेवल पे, यहाँ से फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेडियम वगैरह होगा, तो यहाँ से अगर होगा तो हम ओलंपिक में भी आगे जाके गोल्ड मेडल मिल पाएंगे आगे जाके, तो ये सब हमें बेस से स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो ये कॉलेज मुझे लगता है कि सबसे बेसिक पॉइंट है, यहाँ से अगर स्टार्ट रहेगा तो। स्पोर्ट्स को अगर आगे बढ़ाना है तो उसकी कहीं ना तो कहीं शुरुआत करनी होगी, इस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ने अपने एक कदम आगे बढ़ा है स्पोर्ट्स की तरफ, और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से ओलंपिक में हमारी मात्रा जो है लगातार बढ़ रही है, उसकी स्टार्ट जो है कॉलेज से होनी चाहिए। कैमरामैन राजू के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ इंडिया TV मुंबई।